हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी सेल्फटेक। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक गवर्नमेंट ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिस एरर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो एरर अभी तक आपने नहीं देखा हो, अभी तक आपको शो नहीं हुआ हो। दोस्तों, वो एरर है, एक मैसेज शो होगा जिस पे लिखा होता है, इट सीम्स यू आर ट्राइंग टू एक्सेस कवच फ्रॉम एन अनऑथराइज डिवाइस। इफ यू फील यू आर एक्सेसिंग इट फ्रॉम एन ऑथराइज डिवाइस, प्लीज कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों, उसके नीचे लिखा होता है ओके, और जैसे ही आप ओके करते हैं, फिर से आपका जो कवच एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो अगर आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी यूज करते हैं तो आए दिन कोई ना कोई एरर से आपका पाला पड़ता ही रहता होगा, कोई ना कोई बग आपके कवच एप्लीकेशन में आता ही रहता होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो एरर है, ये एरर कुछ यूनिक टाइप का है और इसको आप सेकेंडों में फिक्स कर सकते हैं और अपने कवच एप्लीकेशन में आप फिर से अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर करके आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस टाइप का मैसेज आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप या एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल पे या iOS पे शो होता है तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना। आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप, यानी अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको विंडो प्लस R बटन पर क्लिक करना होगा और उसमें टाइप करना होगा App Data, AppData। आप देख सकते हैं, App Data आपको वहां पर टाइप करना होगा और सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके करेंगे, इस टाइप का एक इंटरफेस नजर आएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें तीन ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। फर्स्ट में है लोकल, सेकंड में है लोकल लो, उसके बाद थर्ड में है रोमिंग। सिंपली आपको रोमिंग पर क्लिक करना होगा। जब आप रोमिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखेगा कवच ऑथेंटिकेशन। ये कवच ऑथेंटिकेशन तो ठीक है, लेकिन ये जो कवच डीबी वाला जो फाइल है, ये अगर बन जाता है ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का एरर आपके उस डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उस पर ये मैसेज शो होता है। तो सिंपली आपको शिफ्ट और डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देना है। जब आप उसे डिलीट कर देंगे, उसके बाद सिंपली आपको अपने NIC कवच एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना होगा। फिर से ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर से उसमें रजिस्टर करना होगा, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा जो कैप्स लॉक में अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। आप उस कैप्स लॉक में अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में उस OTP को वहां पर एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे, फिर से वो रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल डेली बाय डेली आप यूज करते हैं, सिंपली अपने कवच एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिंपली अपने ब्राउजर में आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, साइन इन का बटन क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट और डिनाई का ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे और आपका गवर्नमेंट ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा और ये जो एरर है, इस एरर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी मैंने बताया, जो समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आज की ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पे, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे इसी टाइप के मैं ढेर सारे वीडियोज अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं।